आज हैदराबाद के इंडोर स्टेडियम में लगभग 1,00,000 से ज्यादा लोगों को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ भारत की 130 करोड़ आबादी को हिंदू समाज मानता है, भले ही वह अपने धर्म और संस्कृति का वजूद हो। धर्म और संस्कृति के बावजूद जो लोग राष्ट्रवादी भावना रखते हैं और भारत की संस्कृति और उसकी विरासत का सम्मान करते हैं, वह हिंदू हैं। आरएसएस देश के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है, मोहन भागवत का ये सब कहना था। ठीक होगा, कोई नया नेता आएगा, नई रोशनी लाएगा, कोई मेरे लिए भला करे, कोई हमारा उद्धार करे, ऐसी प्रार्थना करके, ऐसी इच्छा करके। कभी किसी का उद्धार नहीं होता, कभी किसी का उन्नयन नहीं होता, न व्यक्ति का होता है, न परिवार का होता है, न समाज का होता है, न देश का होता है, न विश्व का होता है। ये तो हम सबका काम है, हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र के नाते, देश के नाते, समाज के नाते हम एक जीव है। हमारा एक, जिसको अंग्रेजी में कहते ऑर्गेनिक एग्जिस्टेंस है। संघ की प्रार्थना में हम कहते हिंदू राष्ट्र के हम अंगभूत है, क्योंकि ये जो धर्म विजय का विचार है, ये जो परस्पर के व्यवहारों में प्रेम और संतुलन का विचार है, ये सभी का स्वीकार करना सभी सही है। हम मिलकर चलकर सबकी उन्नति करें, ये विचार है। इस विचार को दुनिया हिंदू विचार कहती है, वो भारत का परंपरागत विचार है। भारत के मिट्टी में जन्मे सभी विचारधाराओं का वो निष्कर्ष है। ईश्वर को मानने वाली विचारधाराएं भी भारत से निकली है, ईश्वर को न मानने वाली भी निकली है, लेकिन उन सबका निष्कर्ष एक है, क्योंकि उन सब का सत्य एक है। वो सत्य क्या है? सभी समान है, क्योंकि सभी एक से निकले हैं। प्रचलित है वाक्य प्रयोग, विविधता में एकता, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा देश उसके एक कदम आगे जाता है। विविधता में एकता नहीं, केवल एकता की ही विविधता है। विविधताओं में हम एकता नहीं खोज रहे, हम विविधता जिस एकता से निकली है उस एकता को खोज रहे। उसको प्राप्त करने के लिए रास्ते अनेक है, दर्शन अनेक है, पंथ संप्रदाय अनेक है, मान्यताएं अलग अलग है, कदाचित परस्पर विरोधी भी होंगी, बिगड़ता नहीं, सबका निष्कर्ष एक है। सत्य अहिंसा परिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्य तप शौच स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तप संतोष शौच स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यम नियमात्मक दश मूल्यात्मक, ये जो आचरण है। दूसरे शब्दों में जिसका हमारे प्रमुख अतिथि जी ने भाषण में उल्लेख किया, ये बात हम कहते हैं, उसको विशद करते हैं, उसका मूल बताते, उसके परिणाम बताते, उसके लिए आवश्यक करणीय कार्य बताते, लोग कहते आप हिंदुत्ववादी हो। तो हमारा देश परंपरा से हिंदुत्ववादी है। हमारे देश की सब बातें उसी को परिलक्षित करती है, कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। मिलकर साथ चलो, भद्रता का पालन करो, नीति नियम कानून अनुशासन उसका बंधन पालन करो, उसके लिए अच्छे संस्कार लो। हमारे जीवन का लक्ष्य वो है, धर्म जीवन, जो मुक्ति की ओर ले जाता है। अर्थ काम है, आवश्यक है, जितने आवश्यक है उतने करेंगे, मर्यादा के बाहर न जाए, इसलिए धर्म के अनुशासन में चलेंगे। स्वैर उपभोग, स्वैर अर्थार्जन हमारे परंपरा की बिल्कुल अनुमति नहीं है, किसी भी प्रकार के स्वैरता की हमारे यहां अनुमति नहीं है। स्वतंत्रता की है, लेकिन स्वतंत्रता यानी स्वैरता नहीं। अगर एक ही आदमी होता दुनिया में तो वो स्वैर चल सकता था बहुत मात्रा में, परंतु हम सब है, हम सबको जीना है, हम सबको रहना है, हम सबको चलना है, और इसलिए सबके हित के लिए आवश्यक नियम कानूनों का पालन करके चलना पड़ता है। सामान्य लोग कहते हैं कि बड़े लोग जैसा करेंगे हम भी वैसा करेंगे,
जो लोगों के आकर्षण केंद्र है, जो लोगों के सामने उदाहरण स्वरूप है, जिन पर लोगों का विश्वास है, लोगों के सामने जिनकी छवि प्रामाणिकता की, पारदर्शिता की है, ऐसा आचरण करने वाले लोग समाज में होने चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसे लोगों को नाम दिया था नायक। उनका एक निबंध है, लंबा प्रबंध, स्वदेशी समाज। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत का उद्धार राजनीति से नहीं होगा, नेताओं के कारण नहीं होगा, समाज में परिवर्तन चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हमारे समाज का स्वभाव है एकता की ओर बढ़ना। अंग्रेज लोगों को बड़ी आशा है कि इस देश में जिनको हिंदू कहा जाता है और दूसरे लोग हैं जिनको मुसलमान कहा जाता है, वो आपस में लड़ेंगे, मारपीट करेंगे और खत्म हो जाएंगे। परंतु अंग्रेजों, याद रखो, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इस आपस के संघर्षण में से ही साथ रहने का कोई उपाय ये समाज ढूंढ लेगा, और रविन्द्रनाथ के शब्द है, वह उपाय अवश्य हिंदू उपाय होगा। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्द है। और आगे वो कहते, लेकिन इसके लिए समाज को आत्मीय अपना मानने वाला, समाज के लोगों में किसी प्रकार का जो भेद नहीं करता, जो निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से समाज के लिए जीता मरता है, और समाज को जो मालूम है, ऐसा नायक चाहिए। क्योंकि प्रमुख अतिथि जी ने अभी कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। एक नायक पर्याप्त नहीं है। अपना इतना विशाल देश है, इतनी विशाल जनसंख्या है, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक गांव में समाज के प्रति अत्यंत निस्वार्थ आत्मीयता रखने वाले, संपूर्ण समाज को भेद रहित अपना मानने वाले, स्वार्थ का लवलेश भी जिनके मन में नहीं, जिनका चरित्र पूर्ण निष्कलंक है, और इसलिए जो समाज के स्नेह और विश्वास के प्राप्त है और समाज के हित की चिंता में जीवन जीते हैं और आवश्यक है तो बलिदान देते हैं, ऐसे तरुणों की, प्रौढ़ों की, बालकों की, किशोरों की टोलियां चाहिए। बस्ती बस्ती में ऐसे लोग उत्पन्न हो गए तो उसके आधार पर समाज बदल जाएगा। जिस दिन समाज बदलेगा उस दिन भारत का भाग्य बदलेगा। नेता कौन है, पार्टी कौन है, साधन कितने हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ऐसा समाज खड़ा करने के लिए संघ काम करता है। संघ को ये विजय चाहिए, अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने वाला, अपने